9 अप्रैल को शाम 5:15 बजे इंदौर के अभय प्रशाल स्टेडियम में सजेगा श्री श्याम कृपा महोत्सव। ज्योत जलेगी, इत्र बरसेगा, उड़ेगा रंग गुलाल, होगी फूलों की वर्षा, देखने लायक होगा मेरे श्याम का भव्य श्रृंगार। आप सभी धर्म प्रेमी जनता परिवार सादर आमंत्रित है। विनम्र भाव से बुला रहे हैं, दिन है रविवार, करने वाला श्री श्याम, कराने वाला श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर में पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्ट संचालक की बेरहमी से 5 बदमाशों ने चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पीएम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवाया। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया था, जहां शव यात्रा के दौरान परिजनों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर, दरअसल मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी ट्रांसपोर्ट इलाके में विनायक ट्रांसपोर्ट लाइन संचालित करने वाले सचिन शर्मा की 5 बदमाशों ने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है, जहां बदमाश राहुल टुंडा, उसका साथी पंकज और शाहरुख और अन्य लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा 1 महीने पहले भी मृतक और उसके भाई के ऊपर हमला किया था। पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव यात्रा के दौरान परिजनों में आक्रोश नजर आया, जहां सड़कों पर चक्का जाम करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और बदमाशों के अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मांग की है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद स्थानीय विधायक रमेश मेंदौला भी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि मामले में ये जानकारी मिली है कि घटना से 10 घंटे पहले पुलिस को मृतक और उसके परिजनों ने बदमाशों की शिकायत की थी, लेकिन 10 घंटों के भीतर भी पुलिस ने किसी तरह की उचित कार्रवाई नहीं की, जहां पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं आला अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान दिया है। लगभग 3 थानों का पुलिस बल शव यात्रा में तैनात रहा। व्यापारी की हत्या के बाद परदेसीपुरा इलाके में जनता में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग 3 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उचित कार्रवाई की बात की जा रही है। देखिए, जूनियर इंदौर में कल रात में ये घटना हुई थी, जिसमें 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था और सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसमें सेक्शन बढ़ाकर 302 की कया सेक्शन बढ़ाया गया है। इसमें 4 से 5 आरोपी के नाम अभी सामने आए हैं, तो जो 4 नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परदेसीपुरा, जूनी इंदौर और बाकी क्राइम की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। एक आरोपी अभी इसमें राउंड अप हो गया है, बाकियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, इनका पूर्व में विवाद था और सभी जो भी घटनाएं हुई थी उसमें FIR किया गया था और जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके आधार पर सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इस पर की गई थी। 110 की कार्रवाई की गई थी और उसके वायलेशन के कारण उस पर 122 का प्रकरण भी जारी था और इस बीच इसने ये घटना की है। जो भी इसमें आरोपी हैं गिरफ्तार किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सभी पर की जाएगी। देखिए, दोनों जो पक्ष है वो आसपास ही रहते हैं और इस कारण से छोटी छोटी चीज़ों पे इनका विवाद होता रहता था और जिसमें प्रकरण पूर्व में दर्ज हुए थे। और बाकी कल का घटनाक्रम चूँकि जूनी इंदौर का है तो उसकी बहुत डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, बट हमारी टीमें हैं सबसे पहले गिरफ्तारी और जो है जो भी इसमें पूरा घटनाक्रम है उसके खुलासे में टीमें लगी हुई हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।